हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर मैट्रिसेस कंटिन्यू करते हुए मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इट्स फ्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स लेनी है ए और बी, उसको हम कब मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी क्या कंडीशन होंगी, सबसे पहले वो देखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स अगर हम ले रहे हैं, कोई भी दो मैट्रिसेस ए और बी, मैंने कोई भी दो मैट्रिक्स ली है, उनको हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं, मीन्स ए इंटू बी हम तभी कर सकते हैं अगर ए के कॉलम्स बी की रोज के इक्वल हो जाए। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी हो तभी हम ए इंटू बी कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी हो जाए तभी हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, अगर मैंने कोई भी ए मैट्रिक्स ली है, ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। बी मैंने कोई भी मैट्रिक्स ली है, बी आई जे, इसका ऑर्डर है, इसका क्या ऑर्डर होना चाहिए मल्टीप्लाई करने की, इसका कॉलम्स कितने हैं एम, तो इसकी रोज भी कितनी होनी चाहिए n। जो a का नंबर ऑफ कॉलम्स है वो b के नंबर ऑफ रोज होने चाहिए इनटू p, ठीक है। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ b होंगे तभी हम a इंटू बी कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या मैं b इंटू a कर सकती हूँ? b क्या है n क्रॉस b का, a क्या है m क्रॉस n का। सो नंबर ऑफ जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसकी कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होने चाहिए। इसकी कॉलम्स कितने हैं पी, इसकी रो कितनी है एम। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो मैं बी इंटू ए नहीं कर सकती, ठीक है। बी इंटू ए करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए होना चाहिए। तो ये थी कंडीशन, अगर हमें ए इंटू बी करना है तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देखिए, एक एग्जांपल से देखते हैं कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने ए मैट्रिक्स ले ली 2, 1, 0, -1, -2, 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। बी मुझे क्या मैट्रिक्स लेनी है, ऐसी मैट्रिक्स लेनी होगी कि रोज जो है बी की कितनी आए 3। सो 1, 2, -1, 3, 0, 2, सो ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी है तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ए इंटू बी निकालती हूँ। ए इंटू बी को सपोज करो मैंने सी मैट्रिक्स से डिनोट किया है, सी मेरी क्या मैट्रिक्स है ए इंटू बी, सो वो किस ऑर्डर की आएगी, अगर हम मेरा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन क्रॉस पी, सो ए बी मैट्रिक्स जो होगी उससे उसे मैं सी मैट्रिक्स से डिनोट कर रही हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स को, तो सी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी एम क्रॉस पी मैट्रिक्स की, ठीक है। अगर ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो बी को क्या होना चाहिए एन क्रॉस पी मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तो जो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर वो क्या होगा एम क्रॉस पी, एन एन हट जाएगा जो सेम है एम क्रॉस पी। सो ए इंटू बी करेंगे जिसको मैं सी मैट्रिक्स से डिनोट कर रही हूं, उसका क्या ऑर्डर होगा 2 इंटू 2, ठीक है, समझ आ गया। मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी होना चाहिए और जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, जो ए की रोज है इनटू जो बी के कॉलम्स है, ठीक है। सो अगर तो ये आ गए, ये मेरे होंगे एलिमेंट C11, C21, C12, C22। सो अब मुझे ये एलिमेंट्स निकालने हैं क्या होंगे, सो अब देखो C11 का मतलब क्या है, फर्स्ट वन है मींस हमें क्या लेनी है
एलिमेंट्स ऑफ रोज ऑफ ए, इनटू सेकंड में भी वन है, इट मींस एलिमेंट्स ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, C11 का मतलब होता है ए के एलिमेंट्स, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना। मींस अगर मुझे C11 निकालना है तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट एलिमेंट लूंगी 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट लूंगी 1, सो क्या करूंगी 2 × 1 प्लस ए के मुझे सिर्फ रोज लेनी है और बी के कॉलम्स, प्लस इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है 0, इसको किससे के साथ मल्टीप्लाई करूंगी 2 के साथ, 0 × 2 प्लस थर्ड एलिमेंट लेना है क्या है -2, इसका थर्ड एलिमेंट क्या है -1, सो ये हमारा क्या होगा C11, सो ये मेरा क्या आ गया 2 + 0 + 2 दैट इज 4, सो C11 की वैल्यू क्या आ गई मेरी 4। ठीक है, दूसरे एग्जांपल से देखते हैं कैसे करना है। C21 निकालते हैं, C21 का मतलब है एलिमेंट्स ऑफ 2 है, तो पहला 2 है मींस एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो ऑफ ए और उसके बाद 1 है, सो मतलब एलिमेंट्स ऑफ कॉलम ऑफ बी, कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम। C21 का मतलब है क्योंकि 2 पहले है हम A × B कर रहे हैं, सो 2 पहले है इट मींस कि हम A के एलिमेंट्स की बात करेंगे, 1 बाद में है इट मींस हम B के एलिमेंट्स की बात करेंगे, और फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसकी रोज लेते हैं, सेकंड की हम कॉलम लेते हैं, सो 2 का मतलब है कि A मैट्रिक्स की हम सेकंड रो कंसीडर करेंगे, 1 का मतलब है बी मैट्रिक्स की हम फर्स्ट कॉलम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो C21 कैसे निकालेंगे, ए की सेकंड रो लो, क्या एलिमेंट्स है 1 - 1 = 3, बीच में एडिशन का साइन लगा दो। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका है C21 निकालने का कि भाई फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रोज ले लो, कौन सी रो, सेकंड रो, सो 1 - 1 = 3 मैंने ले लिया और प्लस का साइन लगा दिया बीच में। अब हमें क्या करना है, बी की क्या लेना है, फर्स्ट कॉलम, बी के फर्स्ट कॉलम ये हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो करस्पॉन्डिंग, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया 1 - 2 - 3 दैट इज -4, सो C21 मेरा क्या आ गया -4, सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है C12, C12 का मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स की मुझे क्या लेनी है, फर्स्ट रो, सो ए मैट्रिक्स की मैं क्या लूंगी, फर्स्ट रो, और बी मैट्रिक्स का मुझे क्या लेना है, सेकंड कॉलम, सो बी मैट्रिक्स का क्या लेना है मुझे, सेकंड कॉलम, सो ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लो, फर्स्ट रो के क्या एलिमेंट्स है 2 0 - 2, बीच में प्लस का साइन लगा दो, और बी मैट्रिक्स का मुझे क्या लेना है, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स क्या है, सीरियलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 × 0 × 2, अब इसको सॉल्व कर लो, 6 + 0 - 4 दैट इज 2, सो C12 मेरा क्या आ गया 2, सिंपल। अब C22 कैसे निकालेंगे, C22 का मतलब फर्स्ट में 2 है मींस हम ए मैट्रिक्स का क्या लेंगे, सेकंड रो, सो ए मैट्रिक्स की क्या लेनी है मुझे, सेकंड रो, और सेकंड टाइप 2 है मींस बी मैट्रिक्स का मुझे क्या लेना है, सेकंड कॉलम, सो बी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। ठीक है, सो ए मैट्रिक्स की सेकंड रो लिखो 1 - 1 = 3 प्लस का साइन लगा दो, बी मैट्रिक्स का क्या लेना है मुझे, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, × 3 × 0 × 2, सो ये मेरी क्या आई 3 - 0 + 6, सो ये मेरा क्या आ गया 9,
सो ये मेरा क्या आ गया 9, सो ये रिक्वायर्ड मेरी ए इंटू बी मैट्रिक्स आ गई ऑफ ऑर्डर 2x2। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो मल्टीप्लीकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव होल्ड नहीं करती, मीन्स अगर दो मैट्रिसेस हैं ए और बी तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए होगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है क्या वो डिफाइन है या नहीं है। ए को अगर मैं अगर ए मेरी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन की, बी अगर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस पी की, तो ए बी तो डिफाइन होगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी है। सो ए बी डिफाइन होगा और उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस पी। क्या बी ए डिफाइन है? बी ए डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए होना चाहिए। इसके क्या है, कॉलम्स कितने हैं? पी। इसकी रोज कितनी है? एम। एम इक्वल्स टू पी होगा तभी ये डिफाइन होगा। सो यहाँ पे एम और पी अलग अलग है, सो इस केस में तो बी ए डिफाइन ही नहीं है, बी ए हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, बी ए निकालने के लिए इसके कॉलम्स इसकी रोज के इक्वल होने चाहिए। जो हम फर्स्ट मैट्रिक्स लेते हैं उसके कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होने चाहिए, जो कि नहीं है। इसके कॉलम्स पी हैं, इसके एम है, तो बी ए तो डिफाइन ही नहीं है इस केस में। तो ए बी और बी ए तो इक्वल हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो डिफाइन ही नहीं है। लेकिन अगर मैट्रिक्स डिफाइन भी है, सपोज करो ऐसे होता, ए मैट्रिक्स होती एम क्रॉस एम की, बी मैट्रिक्स होती एन क्रॉस एम की, तो ए बी डिफाइन है, इसके इसका कॉलम क्या है एम एन और इसका रो क्या है एन, सो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज हो गए। सो ए बी डिफाइन है तो हम ए बी निकाल सकते हैं। और बी ए कब डिफाइन होगी? जब इसके कॉलम्स इसकी रोज के इक्वल आ जाएंगे। कॉलम्स ऑफ बी कितने हैं? एम। रोज ऑफ ए कितनी है? एम। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए आ गया, सो बी ए भी डिफाइन है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स डिफाइन भी है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो भी ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए होगा। ठीक है, और ये प्रूफ करने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये लिखा है मैंने कॉम्यूटेटिव होल्ड नहीं करती, दैट इज ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए है। ऑल्दो ए बी और बी बी ए डिफाइन भी हो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकाल भी पाए, फिर भी दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेते हैं। ए मैट्रिक्स है 2x2 की, बी मैट्रिक्स है 2x2 की। सो सबसे पहले देखो ए बी डिफाइन है। ए बी डिफाइन होने के लिए ए के कॉलम्स इक्वल्स टू बी की रो होनी चाहिए। है इक्वल तो ए बी डिफाइन है। आप देखो क्या बी ए डिफाइन है? बी ए डिफाइन होने के लिए बी के कॉलम इक्वल्स टू ए की रो के इक्वल होने चाहिए। है तो बी ए दोनों डिफाइन है। अब हमें ये चेक करना है क्या ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा। ठीक है, ए बी किस ऑर्डर की आएगी? ए का ए के पास कितनी रोज है? 2। बी के पास कितने कॉलम्स है? 2। बी ए किस ऑर्डर का आएगा? बी के पास कितनी रोज है? 2। और ए के पास कितने कॉलम्स है? 2। ठीक है, सो ऑर्डर क्या होता है? अगर हम मल्टीप्लाई करें फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और बी सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स लेने होते हैं, वो उसका ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मैं A11, A21, A12, A22 से डिनोट कर रही हूँ। इसको मैं B11, B21, B12, B22 से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्यों लिखा आपको समझ आ रहा है ना? B21 का मतलब कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, B12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। ये आप पहले बता चुकी हूँ मैं ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे A11। A11 का मतलब क्या होता है कि हमें A मैट्रिक्स की फर्स्ट रो कंसीडर करनी है और B मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम कंसीडर करना है। ठीक है, फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स A और फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B, यही मतलब है। फर्स्ट इसकी रोज लेनी है, इसके कॉलम्स लेने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो ये क्या होगा? इसकी फर्स्ट रो लो 1 0,
दोनों के बीच में प्लस का साइन, इसका फर्स्ट कॉलम लो, मल्टीप्लाई करो, 0 1, सो ये क्या बन गया, 0 प्लस 0, दैट इज 0, सो ए 1 1 क्या आ गया मेरा, 0। अब निकालेंगे अब हम a 2 1, ए 2 1 का मतलब क्या है कि ए की हमें सेकेंड रो कंसिडर करनी है, ए की हमें सेकेंड रो कंसिडर करनी है, और 1 का मतलब बी का हमें फर्स्ट कॉलम कंसिडर करना है। सो ए की सेकेंड रो देखो 0 माइनस 1, सो 0 माइनस 1 लिखो, बीच में प्लस का साइन, और बी का फर्स्ट कॉलम लेना है, बी का फर्स्ट कॉलम क्या है, 0 1 इंटू 0 इंटू 1, सो मेरा आंसर क्या आ गया, -1। सो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, -1। नेक्स्ट मैं निकालूंगी a 1 2, a 1 2 का मतलब a की हमें क्या लेनी है, फर्स्ट रो, सो a की हम क्या लेंगे, फर्स्ट रो, और b का हमें क्या लेना है, सेकेंड कॉलम, b का हमें क्या लेना है, सेकेंड कॉलम, ठीक है। सो a की फर्स्ट रो लो, फर्स्ट रो क्या है, 1 0, बीच में प्लस का साइन, b का सेकेंड कॉलम लेना है, दैट इज 1 0, सो इंटू 1 इंटू 0 इक्वल्स टू 1 प्लस 0, जो मेरा 1 आ गया। सो a 1 2 क्या आ गया मेरा, 1। a 2 2 का मतलब क्या है, a की मुझे क्या लेनी है, सेकेंड रो, सो a की मैं क्या लूंगी, सेकेंड रो, और सेकेंड में भी 2 है, मीन्स b का क्या लेना है मुझे, सेकेंड कॉलम, ठीक है। सो सेकेंड रो ऑफ a, दैट इज 0 माइनस 1, बीच में प्लस का साइन, सेकेंड कॉलम ऑफ बी से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड कॉलम क्या है, 1 0, सो इंटू 1 इंटू 0, सो ये क्या आ गया, 0 प्लस 0, दैट इज 0, सो इसकी क्या वैल्यू आ गई, 0। सो ए बी मैट्रिक्स मिल गई मुझे, अब मैं बी ए निकालूंगी। सो बी 1 1 क्या है, अब यहां पे बी मैट्रिक्स पहले है, इसलिए B के हम रोज लेंगे और A के कॉलम्स लेंगे। सो B11 मीन्स फर्स्ट रो ऑफ B और फर्स्ट कॉलम ऑफ A, ठीक है। फर्स्ट रो ऑफ B के एलिमेंट्स देखो, 0 1, बीच में प्लस का साइन, फर्स्ट कॉलम ऑफ A, 1 0 इंटू 1 इंटू 0, सो ये मेरा क्या आ गया, 0 प्लस 0, दैट इज 0, सो ये मेरी क्या आ गई, 0, ठीक है। B21 का मतलब क्या है, यहाँ पे सेकेंड रो ऑफ बी लेना है मुझे एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ ए लेना है। सेकेंड रो ऑफ बी लो, 1 0, सो 1 0, बीच में प्लस का साइन, फर्स्ट कॉलम ऑफ ए, फर्स्ट कॉलम ऑफ ए 1 0 है, सो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, सो ये मेरा क्या आ गया, 1, सो ये मेरा क्या आ गया, 1, ठीक है। नेक्स्ट B12 का मतलब फर्स्ट रो ऑफ बी लेनी है एंड सेकेंड कॉलम ऑफ ए लेना है। फर्स्ट रो ऑफ बी लो, 0 1 है, 0 1 प्लस का साइन, सेकेंड कॉलम ऑफ ए क्या है, 0 माइनस 1, सो इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, इसको -1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया मेरा, -1, सो इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, -1। B22 का मतलब सेकेंड रो ऑफ बी एंड सेकेंड कॉलम ऑफ ए, सेकेंड रो ऑफ बी लो, 1 0 प्लस का साइन, सेकेंड कॉलम ऑफ बी लो, सेकेंड कॉलम ऑफ ए लो, 0 माइनस 1, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई, इसको -1 से मल्टीप्लाई, सो ये क्या आ गया, 0 प्लस 0, दैट इज 0, सो इसकी जगह क्या आ गया, 0। आप देखो ए बी निकाल लिया, बी ए निकाल लिया, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, यहाँ पे एलिमेंट -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एलिमेंट 1 है, यहाँ पे -1 है, एक भी एलिमेंट चेंज मीन्स मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, सो ए बी नॉट इक्वल टू बी है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था, अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 की है, ये भी 2x2 की है, तो भी देखो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, प्लस दोनों मैट्रिसेस डिफाइन है, दोनों हम निकाल सकते हैं, बी ए और ए बी दोनों डिफाइन भी है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, फिर भी दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। अब हम वो एग्जाम्पल देखेंगे कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफरेंट है, इसका ऑर्डर क्या है,
टू क्रॉस थ्री और इसका ऑर्डर क्या है थ्री क्रॉस टू। अब हम वो एग्जाम्पल देखेंगे कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफरेंट है, दोनों मैट्रिसेस डिफाइन है, फिर भी दोनों ए बी नॉट इक्वल्स टू बी है। ठीक है, इसमें दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम था, इसमें दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट है। अब ये निकालेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे ए बी, पहले तो देखते हैं ए बी डिफाइन है या नहीं है। ए बी डिफाइन होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी होना चाहिए। सो ए के कॉलम्स कितने हैं थ्री, बी की रो कितनी है थ्री, तो ये दोनों इक्वल आ गए, मीन्स मैट्रिक्स डिफाइन है। और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसकी रोज लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। सो ए के पास कितनी रोज है टू और बी के पास कितने कॉलम्स है टू। ठीक है, सो रो इंटू कॉलम होता है, रो हम ए का लेते हैं, कॉलम हम बी का लेते हैं। ठीक है, सो इसको मैं डिनोट कर लेती हूँ ए वन वन ए टू वन ए वन टू ए टू टू से। ठीक है, अब बी ए देखो डिफाइन है या नहीं है। बी ए डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी कितने हैं, कॉलम कितने हैं इसके टू, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए कितना है टू। तो बी ए डिफाइन है और बी ए का क्या ऑर्डर होगा, बी की मुझे क्या लेनी है रोज और ए की मुझे क्या लेने कॉलम्स। फर्स्ट मैट्रिक्स का मुझे रो लेना होता है, सेकंड का कॉलम। सो बी के पास कितनी रोज है थ्री और ए के पास कितने कॉलम्स है थ्री। सो थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स होगी ये। सो इसको मैं डिनोट कर लेती हूँ बी वन वन बी टू वन बी थ्री वन बी वन टू बी टू टू बी थ्री टू बी वन थ्री बी थ्री बी टू थ्री बी थ्री थ्री। ठीक है, थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स हो गई। अब हम इसके एलिमेंट्स निकालेंगे। पहली बात तो ये टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स आएगी और ये थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स आएगी, वैसे इक्वल नहीं होगी क्योंकि दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है, यहीं से ही कैंसिल हो जाता है। राइट, सो एलिमेंट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ से ही कह सकते हो कि इसका ऑर्डर टू क्रॉस टू है, टू है और इसका ऑर्डर थ्री है। सो जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो इक्वल कैसे होंगी, क्योंकि हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था दो मैट्रिक्स सभी इक्वल हो सकती है, जब फर्स्ट कंडीशन थी कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेकंड कंडीशन थी एलिमेंट्स सेम होने चाहिए रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। यहाँ पे तो फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो गई तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम निकाल लेते हैं इसको ताकि ये आ जाए कि मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। सो ए वन वन निकालते हैं, ए वन वन का मतलब है ए बी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट रो ऑफ ए और सेकंड में क्या करना है फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। फर्स्ट रो ऑफ ए क्या है वन थ्री जीरो, बीच में प्लस का साइन लगा दो। फर्स्ट कॉलम ऑफ बी क्या है टू वन थ्री, रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दो टू वन थ्री। सो ये क्या आ गया टू प्लस थ्री दैट इज फाइव। सो ए वन वन मेरा क्या आ गया फाइव। नेक्स्ट हम निकालेंगे ए टू वन, ए टू वन मतलब सेकेंड रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। सेकेंड रो ऑफ ए टू फोर माइनस वन, टू फोर माइनस वन करो बीच में प्लस का साइन। फर्स्ट कॉलम ऑफ बी टू वन थ्री, रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दो टू वन थ्री। सो ये क्या आएगा फोर प्लस फोर माइनस थ्री दैट इज फाइव। सो ए टू वन क्या आ गया मेरा फाइव। नेक्स्ट हम निकालेंगे ए वन टू, ए वन टू मतलब फर्स्ट रो ऑफ ए एंड सेकेंड कॉलम ऑफ बी। फर्स्ट रो ऑफ ए क्या है वन थ्री जीरो, सो वन थ्री जीरो प्लस का साइन। सेकेंड कॉलम ऑफ बी माइनस वन फोर माइनस टू, रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करो माइनस वन
4 माइनस 2, सो ये क्या आ गया माइनस 1 प्लस 12 प्लस 0, सो 11, सो a12 क्या आ गया मेरा 11। अब a22 निकालो, a22 का मतलब क्या है सेकेंड रो ऑफ ए एंड सेकेंड कॉलम ऑफ बी, सो सेकेंड रो ऑफ ए क्या है 2 4 माइनस 1, बीच में प्लस का साइन, सेकेंड कॉलम ऑफ बी क्या है माइनस 1 4 माइनस 2, माइनस 1 4 माइनस 2 दैट इज माइनस 2 प्लस 16 प्लस 2 दैट इज 16 आ गया, सो a22 मेरा क्या आ गया 16। ए भी मुझे मिल गया, देखो मुझे ये निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं यहीं से कह सकती हूँ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल नहीं है, इसलिए दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए निकाल रही हूँ। अगर मुझे बी ए निकालना हो, सो b11 का मतलब क्या है, क्योंकि b मैट्रिक्स पहले इसलिए इसकी रोज लेंगे फर्स्ट रो ऑफ ए फर्स्ट रो ऑफ बी एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ ए, फर्स्ट रो ऑफ बी क्या है 2 माइनस 1, सो 2 माइनस 1 बीच में प्लस का साइन, फर्स्ट कॉलम ऑफ ए क्या है 1 2, सो रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दो 1 2, सो ये मेरा क्या आ गया 2 माइनस 2 दैट इज 0, सो b11 मेरा क्या आ गया 0। ठीक है, अब निकालते हैं b21 का मतलब क्या है सेकेंड रो ऑफ बी और फर्स्ट कॉलम ऑफ ए। ठीक है, सेकेंड रो ऑफ बी लो 1 4, सो 1 4 बीच में प्लस का साइन, फर्स्ट कॉलम ऑफ ए 1 2 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 1 + 8 9 आ गया, सो b21 मेरा क्या आ गया 9। नेक्स्ट b31 का मतलब क्या है थर्ड रो ऑफ बी एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ ए, थर्ड रो ऑफ बी क्या है 3 - 2, सो 3 - 2 बीच में प्लस का साइन, फर्स्ट कॉलम ऑफ ए क्या है 1 2, सो रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दो 1 2, सो ये मेरा क्या आ गया 3 - 4 दैट इज -1, सो b31 मेरा क्या आ गया -1। ठीक है, ऐसे ही b12 निकालेंगे, b12 का मतलब फर्स्ट रो ऑफ बी एंड सेकेंड कॉलम ऑफ ए, फर्स्ट रो ऑफ बी क्या है 2 - 1, सेकेंड कॉलम ऑफ ए क्या है 3 4, तो रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दो इंटू 3 इंटू 4, सो ये मेरा क्या हो गया 6 - 4 दैट इज 2, सो b12 क्या आ गया मेरा 2। नेक्स्ट हम लेते हैं b22 का मतलब क्या है सेकेंड रो ऑफ बी एंड सेकेंड कॉलम ऑफ ए, सेकेंड रो ऑफ बी क्या है 1 4 बीच में प्लस का साइन, सेकेंड कॉलम ऑफ ए क्या है 3 4, सो इंटू 3 इंटू 4, सो ये क्या आ गया 3 + 16, सो ये क्या आ गया मेरा 19, सो b22 मेरा क्या आ गया 19। नेक्स्ट हम निकालेंगे b32 का मतलब क्या है थर्ड रो ऑफ बी एंड सेकेंड कॉलम ऑफ ए, सो थर्ड रो ऑफ बी क्या है 3 - 2 बीच में प्लस का साइन, सेकेंड कॉलम ऑफ ए क्या है 3 4, सो रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करो 3 4 से, सो ये क्या आ गया 3 3 9 माइनस 8 दैट इज 1, सो b32 क्या आ गया मेरा 1। नेक्स्ट हम निकालेंगे b13 का मतलब क्या है फर्स्ट रो ऑफ बी एंड थर्ड कॉलम ऑफ ए। ठीक है, सो फर्स्ट रो ऑफ बी क्या है मेरी 2 - 1 बीच में प्लस का साइन, थर्ड कॉलम ऑफ ए दैट इज 0 - 1, सो इंटू 0 - 1, सो ये क्या आ गया 0 + 1 दैट इज 1, सो b13 मेरा क्या आ गया 1। b23 का मतलब क्या है सेकेंड रो ऑफ बी एंड थर्ड कॉलम ऑफ ए, सेकेंड रो ऑफ बी क्या है 1 4 बीच में प्लस का साइन, थर्ड कॉलम ऑफ ए क्या है 0 - 1,
सो रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दो, 0 माइनस 1 को ये क्या आ गया 0 माइनस 4, दैट इज माइनस 4, सो बी 2 3 क्या आ गया माइनस 4, बी 3 3 का मतलब क्या है थर्ड रो ऑफ बी एंड थर्ड कॉलम ऑफ ए, थर्ड रो ऑफ बी क्या है 3 माइनस 2, बीच में प्लस का साइन, थर्ड कॉलम ऑफ ए 0 माइनस 1, सो इंटू 0 इंटू माइनस 1, सो ये क्या आ गया 0 प्लस 2, सो बी 3 3 क्या आ गया प्लस 2। सो आपको अब समझ आ गया होगा हम कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो मेरी ए बी मैट्रिक्स ये आ गई, बी ए मैट्रिक्स ये आ गई, इन दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है तो इक्वालिटी की तो हम बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर आपकी ए बी और बी ए डिफाइन भी है, उनका ऑर्डर भी अलग अलग है, तो भी ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, कॉम्यूटेटिव होल्ड नहीं करती मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अगर मेरे पास दो डायगनल मैट्रिक्स गिवन है सेम ऑर्डर की, उस केस में कॉम्यूटेटिव होल्ड करेगा, ठीक है। सो मैंने दो डायगनल मैट्रिक्स ली हैं, डायगनल मैट्रिक्स मीन्स जिसमें उसके डायगनल एलिमेंट्स हों बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों, वो डायगनल मैट्रिक्स होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा था, और उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, तभी कॉम्यूटेटिव होल्ड करेगी। सो ये डायगनल मैट्रिक्स है, सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स है बाकी जीरो है, 2x2 की मैट्रिक्स है, बी भी डायगनल मैट्रिक्स है 2x2 की, सो दोनों डायगनल मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, सो इस केस में कॉम्यूटेटिव होल्ड करेगी, ठीक है। सबसे पहले ए बी निकालेंगे, मीन्स ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, ठीक है। सो ए बी जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, ए की क्या लेनी है नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, और बी का क्या लेना होता है नंबर ऑफ कॉलम्स जो कितने हैं 2, ठीक है। देखो डायगनल आप वैसे निकाल सकते हैं A11 करके जो मैंने अभी सिखाया, पर वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपको दो डायगनल मैट्रिक्स गिवन है सेम ऑर्डर की, सो उसका इजी तरीका क्या है निकालने का, डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, उसकी जगह लिखो, मीन्स 1 × 2 करेंगे, ये क्या आएगा 2, यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहेगा। ए इंटू बी करेंगे, वो भी डायगनल मैट्रिक्स आएगी, अगर ए डायगनल मैट्रिक्स है बी डायगनल मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी भी डायगनल मैट्रिक्स आएगी, और जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे वो ए और बी के डायगनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, जैसे ए का 1 बी का 2, सो ए 1 × 2 2, अब ये क्या आएगा ए का 3 मल्टीप्लाई बाय बी का 4, 3 × 4 दैट इज 12, ठीक है। जो मैंने A11, A21 ये सब करके बताया आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, यही आएगा। अब BA का मतलब क्या है 2004 × 1003, सो जो मेरी BA मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, B की क्या लेनी है नंबर ऑफ रोज जो 2 है, A का क्या लेना है नंबर ऑफ कॉलम्स जो भी 2 है। सो ये भी एक डायगनल मैट्रिक्स आएगी, मीन्स ये एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, सिर्फ डायगनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स आएंगे, सो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 1 दैट इज 2, और यहाँ पे 4 × 3 डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है 4 × 3 दैट इज 12, सो क्या आ गया ए बी इक्वल्स टू बी। सो अगर कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, वो सिर्फ डायगनल मैट्रिक्स पे करेगी, और वो भी वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है, डायगनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम होगा तभी कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी। थर्ड नोट है, अगर ए इंटू बी करे वो एक जीरो मैट्रिक्स आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए जीरो मैट्रिक्स है या बी जीरो मैट्रिक्स है या दोनों जीरो मैट्रिक्स है, दोनों जीरो मैट्रिक्स है तो भी जीरो मैट्रिक्स आएगी, अगर ए जीरो मैट्रिक्स है तो भी जीरो मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आता है, ठीक है। पर अगर ए इंटू बी जीरो है इसका मतलब ये नहीं है ए जीरो मैट्रिक्स हो या बी जीरो मैट्रिक्स हो, उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए मैंने मैट्रिक्स ली है 0 0 -1 -2 एलिमेंट्स हैं ऑफ ऑर्डर 2x2, बी मैंने मैट्रिक्स ली है 3 0 5 0 ऑर्डर 2x2 की। अब मैं ए बी निकालूंगी, ए जीरो मैट्रिक्स नहीं है बी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, अब ए बी निकालते हैं। ए बी डिफाइन होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी होनी चाहिए, ए के कॉलम्स कितने हैं 2, बी के रोज कितनी है 2, सो ए बी डिफाइन है,
ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए के रोज इंटू बी के कॉलम्स, ये इसका ऑर्डर होगा। सो ये ए वन वन, ए टू वन, ए वन टू, ए टू टू। अब ये मैं निकालती हूँ, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे निकालना है। सो ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। ए वन वन मीन्स ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेनी है जीरो माइनस वन, और बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है थ्री जीरो। ए वन टू का मतलब क्या होता है, सो ये मेरा आ गया जीरो। ए वन टू मीन्स फर्स्ट रो ऑफ ए जीरो माइनस वन एंड सेकेंड कॉलम ऑफ बी दैट इज फाइव जीरो, सो ये मेरा जीरो आ गया। ए टू वन का मतलब सेकेंड रो ऑफ ए जीरो माइनस टू और फर्स्ट कॉलम ऑफ बी थ्री जीरो। ए टू वन का मतलब सेकेंड रो ऑफ ए जीरो माइनस टू एंड सेकेंड कॉलम ऑफ बी फाइव जीरो। सो ये एलिमेंट्स क्या आ गए मेरे सारे जीरो। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी मैट्रिक्स जीरो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी जीरो हो बी बी जीरो, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है पर ए बी मेरा जीरो आ रहा है, यही मेरा थर्ड नोट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव तो होल्ड नहीं करती वो हम देख चुके हैं, सेकेंड एसोसिएटिव लो होल्ड करता है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए हमें तीन मैट्रिक्स चाहिए, सो तीन मैट्रिक्स ए बी सी है, सच दैट ए बी इंटू सी करें या ए इंटू बी इंटू सी करें वो सेम आ जाए, इट मीन्स एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है। ठीक है, इसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करती है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, मीन्स पहले हम ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें उसके रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई करें, या पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई करें उसके रिजल्ट को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल आते हैं। ठीक है, कंडीशन ये है कि ये डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के केस में हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मल्टीप्लीकेशन डिफाइन है या नहीं है। उसके लिए हम पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स की रो के कंपेयर करते हैं, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल आ जाता है इट मींस मैट्रिक्स डिफाइन है। सो ये कंडीशन है व्हेनेवर बोथ साइड्स आर डिफाइंड, अगर बोथ साइड्स डिफाइन है ये कंडीशन होल्ड करेगी, एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी इंटू सी करें वो किसके इक्वल आता है, ए सी प्लस बी सी के, एंड सेकेंड ए इंटू बी प्लस सी करें वो किसके इक्वल आए, ए बी प्लस ए सी के। या तो दोनों को ऐड करो उसके रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई कर लो, या पहले ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करो, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर लो। सेकेंड भी ऐसे ही है, पर इसमें भी वही कंडीशन है कि दोनों साइड डिफाइन होनी चाहिए, व्हेनेवर बोथ द साइड्स आर डिफाइंड, सेम कंडीशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। थर्ड आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है वो देखते हैं। ए कोई भी मैट्रिक्स है, देखो ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए। सो ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है देन देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ऑफ सेम ऑर्डर, जो ए का ऑर्डर है वही ऑर्डर होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, जिसमें बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं और डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं वन। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, जिसमें डायगनल एलिमेंट्स वन हो, बाकी के सारे एलिमेंट जीरो हो और स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सो अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी उसी ऑर्डर की जो ए का ऑर्डर है, सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। सो यहाँ पे आई किसको डिनोट कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी क्या हो गई, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। दो नोट है वो देखिए, ए कोई भी मैंने एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ली है और जीरो क्या है मेरी नल मैट्रिक्स, मीन सारे एलिमेंट्स
जीरो है उस मैट्रिक्स में. सो अगर मैं ए इंटू एम कर जीरो करती हूँ, ए इंटू जीरो में तब कर सकूंगी अगर ए के कॉलम्स जीरो मैट्रिक्स के, दैट इज नल मैट्रिक्स की रोज की इक्वल आ जाए, तब मैं ए इंटू जीरो ओ कर सकती हूँ. सो इक्वल आ रहे हैं. सो ये मेरी क्या मैट्रिक्स आएगी, मल्टीप्लाई करूंगी तो ये एक जीरो ही मैट्रिक्स आएगी. किस ऑर्डर की आएगी, ऑफ एम क्रॉस पी. ठीक है, अगर मैं जीरो इंटू ए करूँ, जीरो इंटू ए कब कर सकती हूँ मैं, नल मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स, अगर इसके नल मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ जाए. इक्वल है, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो वो भी मेरा क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स. किस ऑर्डर का, एम क्रॉस सॉरी पी क्रॉस एम. ठीक है, सेकेंड ए की पावर वन, ए को भी मैट्रिक्स है जीरो वन टू थ्री, इसकी पावर वन, अगर ए मेरी कोई भी मैट्रिक्स है इसकी पावर वन निकालनी है तो वो क्या होगा, सिंपली ए मैट्रिक्स किसी भी पावर वन वही होती है. ए की पावर एन प्लस, ए मेरी ये मैट्रिक्स है इसका मुझे निकालना है पावर एन प्लस वन. सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए की पावर एन इंटू ए लिख सकती हूँ. अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना. सपोज अगर मुझे ए क्यूब निकालना है, ए मेरी ये मैट्रिक्स है तो ए क्यूब मैं ऐसे थोड़ी ना इसकी पावर कर सकती हूँ कि जीरो की पावर थ्री कर दो या वन की पावर थ्री कर दो. देखो ए क्यूब का मतलब ये नहीं है कि एलिमेंट्स की पावर मैं थ्री करके कर दूँ. मीन्स अगर ए क्यूब ये नहीं है कि जीरो वन और टू की पावर थ्री कर दो और थ्री की पावर थ्री कर दो, ये आंसर नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग. ए क्यूब का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उसके एलिमेंट्स का क्यूब कर दो और आंसर लिख दो. ए क्यूब का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज ए इंटू ए इंटू ए. मतलब पहले ए ए को मल्टीप्लाई करो जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में करते हैं अभी जो सिखाया, तो जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से ए से मल्टीप्लाई करो, वो आपका आंसर होगा. सिंपली एलिमेंट्स का क्यूब नहीं करना है, वो गलत होगा, आंसर गलत आएगा. ठीक है, सो यहाँ पे जो पार्ट्स होंगी वो नेचुरल नंबर्स से आएंगी, जैसे थ्री फोर फाइव वन से स्टार्ट होंगी, इन्फिनिटी तक जा सकती है. ठीक है, सो कभी भी अगर आपको ए क्यूब निकालना हो, ए फोर निकालना हो, कभी भी इनके एलिमेंट्स का क्यूब मत करना, दैट इज रॉन्ग. ये तरीका है निकालने का. ठीक है, और एक और कंडीशन होनी चाहिए, जो अगर हम पार्ट्स निकाल लें, ए क्या है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, तभी हम बात कर सकते हैं इस चीज़ की. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती है तो हमारा मल्टीप्लीकेशन ही डिफाइन नहीं होगा. स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो ए इंटू ए ही डिफाइन नहीं होगा, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए आ जाएगा. सपोज करो अगर ए हमारा जीरो, अगर ए मेरी मैट्रिक्स हो जाए एम क्रॉस एन की, सो ए क्रॉस ए क्या होगा एम क्रॉस एन, और ये क्या होगा एम क्रॉस एन. सो इसके कॉलम्स इसकी रो के इक्वल ही नहीं आ रहे, सो हम ए इंटू ए की बात ही नहीं कर सकते. ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी ए क्रॉस ए की हम बात कर सकते हैं, तभी मल्टीप्लीकेशन डिफाइन है, अदरवाइज नॉट. सो ये कंडीशन मैंडेटरी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए. आज के इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. लेकिन अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, या आप मुझे मेल कर सकते हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट देयर. अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. टिल देन, बाय बाय.